बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नॉर्टन थ्योरम को कवर करेंगे। लास्ट की वीडियो लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था। जिस तरह आपको याद हो कि ये तीनों थ्योरम सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम हम लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले थेवेनिन थ्योरम और ये नॉर्टन थ्योरम ऑलमोस्ट सिमिलर थ्योरम्स हैं। अगर आप इन देख लें सॉल्व, किसी भी एग्जांपल को जब सॉल्व करेंगे तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड से ही आप गुजरते हैं सॉल्व करने के लिए, या सिमिलर मेथड आप फॉलो करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया थेवेनिन थ्योरम के थ्रू, तो फिर सिर्फ INR फाइंड करेंगे VTH डिवाइड बाई RTH, तो आप IN फाइंड कर सकते हैं और RN के लिए आप जो कि इक्वल है RTH के, जिसको हम कह सकते हैं वी वोल्टेज ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय करंट शॉर्ट सर्किट, तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज नॉर्टन थ्योरम? नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट यू कैन रिड्यूस एनी टू टर्मिनल सर्किट और एनी टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट IN, दैट इज अ करंट सोर्स और पैरेलल में विद द रेजिस्टेंस सोर्स RN। जिस तरह थेवेनिन थ्योरम में हमने ये देखा था कि किसी भी टू टर्मिनल सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स VTH और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स VTH और आपके पास एक रेजिस्टेंस होता था सीरीज में। तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक इन्वर्ट है। आप किसी भी टू टर्मिनल सर्किट को वोल्टेज सोर्स की जगह आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और ये RTH क्या हो जाएगा, ये आपके पास पैरेलल में आ जाएगा। सो दिस वुड कॉल्ड नॉर्टन थ्योरम। तो आपने क्या करना है, IN फाइंड करना है और आपने क्या करना है, RN फाइंड करना है। दो चीज़ें हम फाइंड करते हैं, IN और IN। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व किया तो फर्दर आप एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे VTH बाय RTH, यू कैन फाइंड IN एंड देन यू कैन फाइंड RN बाय वोल्टेज ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय करंट शॉर्ट सर्किट एंड देन यू कैन इजीली फाइंड RN। सो एक एग्जांपल करते हो, एग्जांपल से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम एक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4.11, और इस एग्जांपल को सॉल्व करने से इंशाल्लाह नॉर्टन थ्योरम को फिर हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये एक एग्जांपल है 4.11, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट अ टर्मिनल ए बी। हमारे पास एक सर्किट गिवन है और हमने क्या करना है, हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक करंट सोर्स फाइंड करना है IN और उसके पैरेलल हमने RN फाइंड करना है। हमने इस सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि RN फाइंड करने के लिए वही RTH वाला मेथड हम फॉलो करेंगे। हम इसको ओपन करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 8 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा और ये 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में है, सो 8 प्लस 4 प्लस 8 जो कि आपके पास 20 बन जाएगा, 20 ओम फिर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस को पैरेलल में है, सो 20 टाइम 5 एंड 20 प्लस 5 जो कि आपके पास RN की इक्वल है वो है 100 डिवाइड बाय 25 एंड दिस वे 4 ओम। तो हमने तो ये फाइंड कर दिया कि ये हमारे पास है 4 ओम। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि हमने IN फाइंड करना है। अब IN फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि हम दोबारा से कंप्लीट सर्किट ड्रा करेंगे। सर्किट हमारे पास गिवन है, सर्किट हम दोबारा से सर्किट ड्रा करेंगे जो कि है 2 एम्पियर, और ये हमारे पास है 4 ओम, फिर हमारे पास है प्लस माइनस 12 वोल्ट, ये हमारे पास है 8 ओम और ये हमारे पास है 8 ओम,
5 ओम। और हमने इस ये जो टर्मिनल है जो सर्किट में यहाँ पे ए बी था उसको हमने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। और हमने ये देखा था कि आई एस सी इक्वल टू आई एन की इक्वल है, ये हमने पहले ही, तो ये टर्मिनल को आप शॉर्ट सर्किट कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आई वन है इस लूप में और इसमें आई टू है, और जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हम इसको अवॉइड करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो किसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसको देखिए, यहाँ से आई वन ईजिली 2 एम्पियर की इक्वल है और ये हमारे पास इक्वल है, अगर हम इस लूप को देखें तो 8 आई टू प्लस, इसको इग्नोर करेंगे, प्लस 8 आई टू माइनस 12 प्लस 4, और ये क्या है आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 0। सो ये 16 आई टू माइनस 12 प्लस 4 आई टू माइनस 4 आई वन इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 4 आई वन 16 और 20 प्लस 20 आई टू माइनस 12 इक्वल टू 0, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आई वन हमें पता है कि वो किसकी इक्वल है, वो 2 एम्पियर के इक्वल है। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस 4 2 प्लस 20 आई टू माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 8 प्लस 20 आई टू माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये बन गया माइनस 20 प्लस 20 आई टू इक्वल टू 0, या 20 आई टू इक्वल टू 20 और आई टू इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो ये आपके पास क्या बन गया, आई टू आपके पास 1 एम्पेयर के इक्वल बन गया। अब प्रोसेस इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इस सर्किट में देखें, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे आई टू, क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो ये क्या है आई टू है और ये शॉर्ट सर्किट है, इट मीन्स कि आई टू ये मूव कर रहा है। तो आई एन किसकी इक्वल है, आई एन इक्वल टू आई टू, सो आई टू इक्वल टू, तो आई एन किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 1 एम्पेयर के इक्वल हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर जो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म बन गया, वो रिड्यूस फॉर्म हमारे पास ये है कि हम किसी भी सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो रिड्यूस फॉर्म हमारे पास ये बन गए थे, आई एन हमारे पास बन गया 1 एम्पेयर, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है आर एन वो है 4 ओम। तो इसको आप एंड में ड्रा करेंगे, तो ये इस मेथड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करके एक स्टेप फॉरवर्ड करें तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये तीनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि इसके रिलेवेंट आप एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें, कहीं पर भी कोई इशू हो तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।